चलिए, बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम आज जारी होगा। तीनों संकाय कला विज्ञान वाणिज्य और वोकेशनल का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर सचिव आर के महाजन और बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर रिजल्ट को बोर्ड की वेबसाइट। जी बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना कि आपका रिजल्ट जो है आज दोपहर 1 बजे जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें, घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस बार आप सभी को पता है कि टोटल 2021 में 13 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिए थे क्लास 12th का। दोस्तों आप सभी को बता दें कि वैसे छात्र एवं छात्राएं जो बिहार बोर्ड से क्लास 12th का एग्जाम दिए तो इंतजार कर रहे थे अपने रिजल्ट को लेकर के, तो इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में बता रखे थे कि टॉपर वेरिफिकेशन का जो काम है वो पूरा कर लिया गया, आज आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब रह गई बात दोस्तों आपका रिजल्ट कैसे चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा ही रिजल्ट जारी होगा हम आपको न्यू वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कीजिएगा। आपको पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लाना होगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें दोस्तों, टॉपर वेरिफिकेशन में जितने सारे स्टूडेंट का लिस्ट में नाम आया वो हम पिछले वीडियो में बता रखे, उस वीडियो पर जाकर के आप देख सकते हैं कि बिहार के टॉपर में कौन कौन से स्टूडेंट हैं, कौन से जिले के स्टूडेंट हैं। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि 13 लाख विद्यार्थी बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे अपने रिजल्ट को लेकर के। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रहा है बिहार बोर्ड की तरफ से कि आज आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बता दें दोस्तों कि आपका 10th का जो रिजल्ट है आपको 10 अप्रैल से पहले देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका कंफर्म हेजिटेशन जो है, कंफ्यूजन दूर हो गया कि आपका रिजल्ट इस डेट को जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन बता दें दोस्तों, आपको 5 वेबसाइट हम बताएंगे जिससे आप अपना रिजल्ट खुद चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जैसा ही रिजल्ट जारी होगा उस वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ से आप अपना रिजल्ट खुद से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। सबसे पहला रिएक्शन है कि जब रिजल्ट देखा तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई, मेहनत जो था वो मेरा सफल हुआ, जितनी भी मेहनत की, जो मेरा सपना था वो पूरा हुआ टॉपर बनने का, जिसके लिए 11th क्लास से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आगे चल के CA बनना चाहते हैं। पढ़ाई के लिए कितना वक्त निकालना पड़ा है? 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे की बात की जाए तो मेरा लगभग वक्त जो है वो पढ़ाई पे ही जाता था। नॉर्मल अगर कुछ है, ट्यूशन वगैरह चले गए थोड़ा बहुत, उसके बाद जो भी टाइम बचा उसमें दिल से पढ़ाई की, मेहनत की बस। सहयोग किसका मिला इस पढ़ाई में? सहयोग तो मेरे पेरेंट्स का था, माँ बाप का था, मेरे भाई बहन का था और टीचर का था, मेरे जो मेरे सर हैं जैफ़ी अजमी, जो मेरे जहाँ मैंने इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की किंग ऑफ कॉमर्स में, वहाँ सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया, क्योंकि अगर एक अच्छा गाइड करने वाला टीचर नहीं होता है तो एक स्टूडेंट कहीं भी नहीं पहुँच सकता है, चाहे वो कितना ही क्यों ना ब्रिलियंट हो। तो सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया, सर को मैंने जाके पहले दिन बोला था कि सर टॉप करना है मुझे, तब से सर ने बहुत मेहनत की, सर ने मेरे पर बहुत ध्यान दिया, बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया, जिसके वजह से आज मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया।